अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है टिप्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। सो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फेस पैक लेकर आई हूँ, जिसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन में नेचुरल ग्लोइंग आ जाएगी और आपकी स्किन नेचुरल फेयर हो जाएगी। सो इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और उसके करीब ही बेल आइकन छोटी सी घंटी उसको बजा दीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं कोई सी भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाएगी। जी, तो मैं बात कर रही हूँ ऑयली टू नॉर्मल स्किन वालों के लिए। तो हमें ऑयली टू नॉर्मल स्किन वालों के लिए लेना है बेसन और हल्दी और थोड़ा सा पानी। तो बेसन और हल्दी हमारी स्किन को नेचुरली ग्लो देता है और नेचुरली हमारी स्किन को फेयर करता है और हमारे स्किन पे जो पिंपल्स हो जाते हैं उसको भी रिड्यूस करता है। और पिंपल्स हो जाने के बाद जो हमारे स्किन पे ब्लैक कलर के डॉट्स यानी के धब्बे रह जाते हैं तो उसको भी रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 टीस्पून बेसन यानी के ग्राम फ्लोर। और सेकंड मैंने यहाँ लिया है आधा चम्मच यानी कि हाफ टी स्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर। और बस थोड़ा सा ही पानी हम इसमें मिला के एक इसको अच्छा सा थिक पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा थिक भी ना हो, ज़्यादा थिन भी ना हो, बस ऐसा हो कि आप इजीली अपने फेस पे इसको अप्लाई कर सकें। तो मैं यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छा सा थिक पेस्ट तैयार कर लूँगी। सो ड्राई स्किन वालों के लिए है 1 टेबल स्पून ऑफ बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर, 1/2 टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क यानी कि दूध और 1/2 टेबल स्पून हनी यानी कि शहद। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को इन चारों इंग्रेडिएंट्स को मिला के मिक्स करके एक अच्छा सा थिक पेस्ट बना लेना है और अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। टेन टू फिफ्टीन मिनट्स तक अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है और फिर ठंडे पानी से इसको वॉश कर लेना है। तो ये हमारा फेस पैक यहाँ तैयार है। अब इसको आप जेंटली अपने फेस पे, अपने हाथ पे, अपने पाँव पे कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको सिर्फ अपने हाथ पर ही अप्लाई करके दिखाऊंगी। इसको अप्लाई करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट तक अपने हाथ पे इसको रखना है या फेस पे अगर आप लगा रहे हैं तो फेस पे इसको रखना है और फिर सेमी ड्राई हो जाए तो भी चलेगा या अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको फुल ड्राई भी कर सकते हैं। तो ड्राई होने के बाद आपको इसको हल्का सा पानी से गीला करने के बाद इसको आप थोड़ा सा स्क्रब कर लें। स्क्रब करने के बाद 2 मिनट तक स्क्रब कर लें। स्क्रब करने के बाद आप इसको कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे पानी से वॉश कर लें। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बनता है जो कि बिल्कुल फ्री है। मिलती हूँ अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।